हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा समाज शास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके पेपर में आने के चांसेस 100% रहेंगे। वो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा समाज शास्त्र की परिभाषा लिखिए। आपको समाजशास्त्र की परिभाषा लिखनी है और समाजशास्त्र की परिभाषा जो वैज्ञानिक है H.M. जॉनसन वो क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। ये परिभाषा आपको लिखनी है। आगे दूसरा क्वेश्चन है समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सोशियस जो लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है समाज, और दूसरा शब्द लोगस जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लोग। इस प्रकार समाज शास्त्र का समाज का शास्त्र है या विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है? समाज शास्त्र की प्रकृति सामाजिक विज्ञान है। आगे दूसरा पार्ट पहला क्वेश्चन समाज किसे कहते हैं? समाज से तात्पर्य क्या है? व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संगठित एवं असंगठित समूह से है जिनके मध्य अंतःक्रिया होती है उसे हम समाज कहते हैं। समुदाय की परिभाषा दीजिए। बोगदर्स के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं उसे हम समाज कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि समाज की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। मेकास्वर और पेज ने समाज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि समाज रीतियों कार्य प्रणालियों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है जो कि जटिल एवं निरंतर परिवर्तनशील रहती है। समूह क्या है? प्राथमिक व द्वितीयक समूह के अंतर को स्पष्ट कीजिए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करते हैं तो वे समूह का निर्माण करते हैं। सामाजिक संबंधों के अनुसार चार्ल्स कूले ने सामाजिक समूह को दो भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। इसका प्रकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। उनके संबंधों की संख्या कम होती है, इनके सदस्यों की संख्या अधिक होती है। सदस्यों में स्थायी संख्या पाई जाती है, सदस्यों में अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। संबंध अनौपचारिक होते हैं, संबंध औपचारिक होते हैं। संबंधों का निर्माण और विकास स्वतः होता है, संबंधों का निर्माण जानबूझकर किया जाता है। संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता पाई जाती है, संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता का अभाव होता है। आगे तीसरा पाठ में पहला क्वेश्चन है विवाह क्या है? विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो कुछ मान्यता प्राप्त नियमों के अंतर्गत स्त्री पुरुष को विवाहित जीवन जीने को अवसर प्रदान करने के साथ ही बच्चों के पालन पोषण तथा नियमित सामाजिक जीवन के लिए उचित वातावरण प्रदान करती है। विवाह की दो विशेषताएं लिखिए। विवाह की निम्नलिखित दो विशेषताएं, विवाह की स्वीकृति धार्मिक भी हो सकती है और वैधानिक भी हो सकती है। विवाह का उद्देश्य दो विषम नीतियों के व्यक्तियों के मध्य संबंध को मान्यता प्रदान करता है। परिवार की दो विशेषताएं बताइए। परिवार की दो विशेषता सार्वभौमिकता एवं भावनात्मक संबंध। नातेदारी एवं संस्कृति की दो विशेषताएं लिखिए। नातेदारी मानव समाजों की सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था का निर्माण नातेदारी के द्वारा होता है। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो कि मान्य हुए एवं रक्त संबंधों पर आधारित हो। अब पाठ 4 की बात करते हैं। समाजीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
गिलिन एवं गिलिंग ने समाजीकरण की प्रक्रिया के निम्न स्तर बताए हैं। बालक का समाजीकरण, युवक का समाजीकरण, प्रौढ़ का समाजीकरण। बाल मनोवैज्ञानिक जो प्याजे ने निम्नलिखित छह अवस्थाएं बताई है। प्रथम अवस्था माँ का दुग्धपान, द्वितीय अवस्था बालक किसी एक बिंदु से वस्तु को देखता है किंतु आंखों से ओझल होने पर उसे ढूंढता नहीं है, तृतीय अवस्था बालक को जो कुछ दिखता है उसे पकड़ने का प्रयास करता है, यह अवसर 3 से 6 माह के बीच की अवस्था होती है। चतुर्थ अवस्था बच्चा उस पदार्थ की खोज करता है जो उसके सामने से अदृश्य कर दी जाती है, यह अवस्था 9 से 10 माह के बीच होती है। पंचम अवस्था बालक स्थान परिवर्तन के क्रम को समझने की कोशिश करता है, यह अवस्था 12 से 18 माह के बीच होती है। छठी अवस्था होती है बालक पदार्थ का चित्रण करता है और उसकी अनुपस्थिति में भी उसके विषय में कल्पना कर लेता है, यह अवस्था 15 से 19 माह के बीच की होती है। समाजीकरण की प्रमुख संस्थाओं का उल्लेख कीजिए। प्राथमिक संस्थाएं परिवार, यह व्यक्ति के समाजीकरण की आधारशील है। नातेदारी समूह, व्यक्ति अपने रक्त संबंधियों के बीच रहकर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाग लेता है। पड़ोस, आस पड़ोस का व्यक्ति के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव डालती है। मित्र मंडली, मित्र समूह में बालक अनुकूलन करना सीखता है। द्वितीयक संस्थाएं शिक्षण संस्थाएं, ये बालक के बौद्धिक विकास में योगदान करती है। राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं। आगे सांस्कृतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, व्यवसाय समूह, जन संचार माध्यम आदि। आगे छठा पाठ, पहला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं एवं विशेषताएं लिखे। तो पहली परिभाषा है किंग्सले डेविस के अनुसार, सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाले हेरफेर या संशोधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है अर्थात उनका संबंध किसी व्यक्ति, समूह, समिति, संस्था, जाति, प्रजाति इत्यादि से है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान एवं तुलनात्मक है। संघर्ष किसे कहते हैं? संघर्ष को स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार समाज में सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा पाई जाती है उसी प्रकार सभी समाजों में संघर्ष भी पाया जाता है। उसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह को हानि पहुंचाकर या धमकाकर अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास करता है। उसके विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत संघर्ष, जब संघर्षशील व्यक्तियों को में आपस में घृणा हो जाती है तथा वह अपने हितों के लिए अन्य व्यक्तियों को किसी भी स्तर तक हानि पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं तो उसे व्यक्तिगत संघर्ष कहते हैं। वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क के अनुसार प्रत्येक समाज के 2 वर्ग होते हैं जिनमें उत्पादन के स्वामित्व के आधार पर संघर्ष होता है, इसे ही वर्ग संघर्ष कहते हैं। प्रजातीय संघर्ष, शारीरिक भेदभाव के कारण जब वर्गीकरण होता है तो प्रजातीय संघर्ष होता है, जैसे गोरे काले के मध्य संघर्ष। राजनीतिक संघर्ष, इसके 2 प्रकार है, अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष, जब एक ही देश में विभिन्न समूह दलों या राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता प्राप्ति हेतु एक दूसरे का विरोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, जब एक देश का अपने हितों की पूर्ति दूसरे देशों के साथ संघर्ष होता है तो इसे अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष कहते हैं।
छठा पाठ, भौगोलिक दृष्टि से भारत के कितने भाग है लिखिए। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर में कश्मीर से नेफाक तक 1600 मीटर चौड़ी हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है, उसमें अनेक दर्रे, चोटियां, घाटियां। यह क्षेत्र वर्ष भर बहने वाली नदियों की उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश जैसे पवित्र तीर्थ स्थल यहाँ पर स्थित है। गंगा सिंधु का मैदान, हिमालय से निकलकर दक्षिण पठार के बीच का भाग मैदानी भाग है, उत्तर का बड़ा मैदान कहलाता है। यह गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलज आदि नदियों के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ देश की 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। दक्षिण का पठार, यह तीन और समुद्र से घिरा प्रायद्वीपीय पठार है। यह त्रिभुजाकार क्षेत्र घने जंगल एवं बहुमूल्य खनिजों से परिपूर्ण है। यहाँ विंध्य एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। थार का मरुस्थल, गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर का शुष्क एवं रेतीला भूभाग थार का मरुस्थल कहलाता है। यहाँ पानी की कमी एवं भीषण गर्मी और रेतीली आंधी के कारण जनसंख्या घनत्व काफी कम है। समुद्री तटीय मैदान, भारत के दक्षिण के समुद्र के किनारे पूर्व एवं पश्चिम का भाग समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। पश्चिम तट को कोकण एवं मालवार कहते हैं। उन तटों पर भारत को के अनेक बंदरगाह स्थित है। रामेश्वर यहाँ का पवित्र स्थल है। धार्मिक विभिन्नता में एकता को समझाइए। हमारा भारत विभिन्न धर्मों की जन्म स्थली है। यहाँ सनातन धर्म से जैन, बौद्ध तथा सिख धर्मों का जन्म हुआ है। बाहरी आक्रमणों तथा सत्ता के शासन के संरक्षण ने यहाँ के मूल निवासियों को ईसाई तथा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। भारत में जितने भी धर्मावलंबी हैं, उनके पूर्वज कभी न कभी एक ही मत के रहे। इसी कारण धर्म ने भारत में एकता स्थापित की। एक ही स्थान पर निवास करने वाले विभिन्न धार्मिक समूह के लोगों में परस्पर अंतर्निर्भरता पाई जाती है। विभिन्न त्यौहार, उत्सव जैसे दीपावली, होली, ईद, दशहरा, नववर्ष में हर्लोसास में सहभागी बनते हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है अथवा राष्ट्र की संप्रभुता पर कोई संकट आता है, तो सभी धर्म के लोग एकजुट होकर सफलतापूर्वक उनका मुकाबला भी करते हैं। इस अंतःक्रिया के कारण ही प्रोफेसर एम एन श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया का उल्लेख किया है। विभिन्न धर्मों में दिखाई देने वाली विभिन्नता बाहरी या सतहरी मूल रूप से तो सभी भारतीय धर्मों में एक रूपता पाई जाती है। सभी धर्म अध्यात्म, ईश्वर, ईमानदारी, सच्चाई, अहिंसा, नैतिकता, दया, परोपकार आदि में विश्वास करते हैं। इसी प्रकार भारत में धार्मिक विभिन्नता में एकता पाई जाती है। अब बात करते हैं सातवें पाठ के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। गांव में मनोरंजन के साधनों की विवेचना कीजिए। सामान्यतः गांव में मनोरंजन के परंपरागत साधन ही विद्यमान है। लोकगीत, उत्सव, बच्चों के खेल, बुजुर्गों के किस्से, कहानियां, पति पत्नी के संबंध, अनौपचारिक सहज जीवन आज भी अधिकांश गांव में मनोरंजन के माध्यम है। हालांकि तकनीकी एवं सूचना क्रांति ने अब गांव में मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि का साधन भी उपलब्ध करा दिया है। भारत में गांव तथा नगरीय समाज में विवाह, परिवार एवं नातेदारी के संदर्भ में विभिन्नता की व्याख्या कीजिए। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में अधिकांशतः विस्तृत एवं संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, जिनमें मुखिया का नियंत्रण होता है। इनका भोजन, पूजन एवं संपत्ति सामूहिक होता है, जबकि नगरीय सामाजिक संरचना में परिवार अधिकांशतः एकांकी होते हैं। इनमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। ग्रामीण समुदाय में नातेदारी संबंधों के कार्य को महत्व दिया जाता है। इसके कारण सामूहिकता का भाव उत्पन्न होता है, जो सामाजिक नियंत्रण
बनाए रहता है। शहरी क्षेत्रों में संबंध काफी शिथिल हो गए हैं। यहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता एवं प्राय स्थिति के आधार पर होती है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको 7 पाठों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे आपके, वो समाजशास्त्र में बताएं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।